सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। क्रिसमस आ रहा है तो मैं आपके ऊपर 40,000 रुपए लगा रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, मैं तो पहले टेंशन में था, मेरे ऊपर 40,000 लगा रहा है। मैंने कहा क्या, लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने कहा नहीं नहीं, लेकिन मेरी एक आदत थी क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण कर चुका था, मैंने बाइबल पढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि बजेंद्र सिंह चुप हो जा, इसमें कोई राज है, इसको पादरी को मालूम है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको मालूम है इसका मतलब। ये मेरे से ऐसा सवाल कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, इसने मेरा कोट देख के बोल दिया होगा। शुरू से मैं कपड़े, मेरी ड्रेस जरूर अच्छी होती थी, चाहे वो 10 दिन धोई हुई ना हो। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, तो मैं तैयार होके जाता था अच्छे से, क्योंकि मेरे अंदर एक शौक है कि मैं तैयार होके रहूं, बस बन ठन के रहूं। हालेलुया, जैसे औरतों को होता है ना, बन ठन के रहे हम। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग गरीबी की तरह ना जिए, हम बन ठन के रहें। कम से कम मुंह तो धो सकते हैं, तिल तो लगा सकते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, एक आदमी आया यीशु मसीह को, बोला मेरे पास पैसे नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा यार तेल लगा सिर पे और मुंह धो ले, बस। इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना। इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना। और मैंने उस दिन सीखा, उस दिन से मैं तेल तूल लगा के मुंह मात धो के आता हूं, चिंता ना लगे मेरे चेहरे पर। यह है मसीहत। अगर आप चर्च में आते हैं और आपके चेहरे भुजे हुए हैं, इसका मतलब यह मसीहत नहीं है। आप मसीह में हैं। परमेश्वर उन लोगों के पास, सुनो मैंने क्या दर्शन देखा चर्च में बैठकर, जब पादरी ने मुझे कहा 40,000 रुपए आपने बोने लिखा रहा था, उसके चर्च में कितने लोग थे, 100 लोग, सबको कह रहा था बड़ा खर्चा है, 40,000 आपके, 50,000 आपके, 1,00,000 आपका, फलां, अपने आप लगाई जा रहा। मैंने कहा क्या कर रहा, कोई बोले नहीं इसके सामने। मैंने कहा ठीक है, मैं नया नया चर्च में गया था। मैंने कहा ओके, वहां से मैंने भी सीख लिया, मैं भी लगाता हूं अपने आदमियों पर अब। और ऐसे ही जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा है परमेश्वर आशीष दे, लेकिन कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, मैं चुप होके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा था तो वहां पर उस समय में वो आदमी पास्टर ऐसे बोल रहा था, लेकिन उस समय मैं कह रहा था कि परमेश्वर हम इतनी चिंता में, हम इतनी परेशानियों में, लेकिन ये पास्टर कैसा है। और कुछ लोग उस समय कर रहे थे, हाय हम क्या खाएंगे, आपस में गुटमुट करने लगे। पादरी थोड़ी देर के लिए बाहर गया, हम गुटमुट करने लगे, कहते हैं हमारे तो खर्चे, पैसे पैसे नहीं आए, फीस नहीं आई, हम बच्चे दी, बिजली का बिल नहीं दिता, हाय की खावांगे की पीवांगे, क्रिसमस कितना बनेगा, क्रिसमस नु छड्डो, कहते पादरी साढ़े तो पैसे मंगता, मैं की करा। मतलब अब वो टेंशन में है, लेकिन पर मैंने आंख उस परमेश्वर के दास ने कहा आंख बंद करो आज, के परमेश्वर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। और उसी समय जब मैंने आंख बंद किया तो उसी समय उसने कहा एक किसी व्यक्ति के ऊपर आज चर्च में परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, उसके ऊपर हाथ रख के जाएंगे। और उसी समय मैंने कहा आंख खोल के देखता हूं किसके ऊपर रखे जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था, लेकिन उसी समय मैंने आंख खुली थी, आप विश्वास करेंगे, मेरी आंख खुली थी, एक एंजल आया और सबके ना चेहरे ऐसे थे ऐसे, पादरी की अच्छी लग रही, क्योंकि पादरी जब अच्छा नहीं लगता जिस दिन पैसे मांग ले चर्च के अंदर, हर दिन पादरी साहब हालेलुया ऐसे आते चर्च में, और उस दिन ऐसे उदास बैठे थे जैसे किसी को इनकी खाट खींच के ले गया हो, इनकी सोने की चैन तोड़ के ले गया हो, और वो बड़ी टेंशन में बैठे थे ऐसे। लेकिन मेरी समझ में आ गया वो, और मैंने एंजल को देखा, मैं मुस्कुराने लगा, मैंने कहा हालेलुया, मैंने खुश हो रहा था, मैंने देख झलक सी देखी। और उसके बाद वो आया और मेरे सिर पर हाथ रख के चला गया। मैंने कहा हाँ, मेरे सिर पर हाथ रख के गया, मेरे सिर पर हाथ रख के गया। थोड़े से तो वो उदास थे ही चर्च के बंदे, पहले होर सड़ गए और टेंशन होगी, कहते ये आ जाया चर्च के अंदर और हम तो इस चर्च में 1 साल ठहरे, हमारे ऊपर तो हाथ रखा नहीं, ये पहले दिन आया इसके ऊपर हाथ रख दिया। मेरी समझ में आ गया। और उसके बाद मैं पादरी के पास गया, मैंने पादरी को कहा, मैंने कहा भाई साहब ले लो 40,000, मतलब 1 हफ्ते के बाद। उसने मेरे से पूछा, कहता आप क्या करते हैं,
मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहा कहाँ रहते हैं? मैंने कहा झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रहता, नैनो में रहता हूं। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम ईसाई हो, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक देता हूँ, कभी मैं रेलवे स्टेशन के बाहर रोकता हूँ, वहाँ मेरी रात कट जाती है, कभी मैं बस स्टैंड के बाहर रोक देता हूँ, मेरी रात वहाँ कट जाती है। मैंने कहा कोई पूछता नहीं है ना, कभी मैं पार्किंग में पांच रुपए पार्किंग में देकर कार रोक कर वहाँ पर सो जाता हूँ। सच्ची गवाही दे रहा हूँ, वो ऊपर वाला जानता है। चिंता थी मुझे भी संसार में, लेकिन उसने मुझे कहा कह रहा तू ये पैसे कहाँ से लेकर आया जब तू कमाता नहीं है? कहता दिखता तो अच्छे घर का है। मैंने कहा अच्छे घर का हूँ लेकिन निकाल दिया उन्होंने, अब क्या अच्छा घर और क्या पुराया घर, क्या अपना और क्या बुरा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी आंख में आंसू के सिवाय कुछ नहीं था, टेंशन से भरा हुआ था मैं दिमाग से, लेकिन मैं एक वचन को जानता था। परमेश्वर ने कहा चिंता करके ये ना कह देना, फिर से दिखा क्या लिखा, कह रहा इसलिए लोग पढ़ते हैं इस वचन को लेकिन समझ में नहीं आता उनको, इसमें लिखा इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। अपने पड़ोसी को बोलो ये ना कहना, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं खाएंगे, नहीं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये ना कहना। अरे कोयले का पैसा कहां से आएगा, ये ना कहना। हेलो फैक्ट्री कहां से लगेगी गैस की, ये ना कहना। कहां से आएगा पैसा दूध की डेयरी में, चश्मे वाले भाई ये ना कहना पैसा कहां से आएगा। कह रहा ये ना कहना, कह रहा चिंता करके ये ना कहना। कहता चिंता करना यीशु मसीह ने, आ मेरे लाल चिंता कर जितनी मर्जी कर, लेकिन अपने मुंह से ये ना कहना हाय अद्दा कितना होएगा, हाय अद्दा कितना होएगा। प्रॉफिट जी भविष्यवाणी करती तुसी, एक आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा हेलो इधर तू फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने जा रहा है, मेरे पे तीन बार हंसा जोर जोर से, कहता कहता है पागल है सटी आ गया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, कहता आपको पता मैं कौन हूं, मैं कौन है, कहता मैं रिक्शा चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा, और अगले साल आया फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके, कहता पादरी साहब मैं क्या हुआ, कहता मैं रिक्शा छोड़ के कबाड़ी का काम कर लिया, कबाड़ी के बाद कहता है कबाड़ में सेकंड हैंड गाड़ी आया मैंने ले लिया, थोड़े दिन के बाद बड़ी गाड़ी ली, नवी फॉर्च्यूनर में आया हूं आज। हालेलुया करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, मिराकल करने वाला परमेश्वर है। कह रहा विश्वास करना है। और उस रात मैंने, मेरे पास्टर ने मेरे से पूछा, कहता कि आपके पास पैसा कहां से आया? मैंने कहा मेरे पास नैनो गाड़ी है, मैं रोज रात को निकलता था, जो लोहा मिलता था गाड़ी में, एक शराब भी रखता था अपने साथ, बस उसको 10 रुपए देता था, वो शराब पीता था, उसको कहता था जा तू सारा माल उठा के गाड़ी में डाल दे, और उसको बोलता था ले मेरी गाड़ी ले और जा कबाड़ी में बेच कर आ। उसको कहता था गाड़ी में चलाता था, मैंने कहा चल चल मिला कहीं, मिला कहीं, मिला कहीं। कर सकता कोई ऐसे? किसके लिए कर रहा हूं? बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूं, शादी नहीं हुआ, किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने यीशु मसीह के लिए कि उसका जन्मदिन आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए कर रहा हूं? यीशु के लिए, क्योंकि मेरे पास्टर ने, मेरे पिता समान एक आदमी ने मेरे ऊपर एक आशीष लगाई है, और मैंने कहा परमेश्वर यह आशीष मुझे दे, पवित्र आत्मा ने मुझे। और उस दिन जिस दिन मैंने उस पास्टर को यह कहानी बताई तो उसकी आंख में आंसू थे, और उसने मेरे हाथ पर, सिर पर हाथ रख के रोते हुए कहा, तुझे कभी किसी जिंदगी में भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। मैंने उसकी बात को सुना, और आज मैं देखता हूं कि एक नहीं, मैंने 3 दिन भूख से बिताए, भूखा। लेकिन जब मेरे चर्च में आते हैं तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर मेरे चर्च में चाहे मुझे कोई कुछ ना दे, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, एक भी दिन यहां पर लंगर बंद नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे ऊपर गिफ्ट है परमेश्वर का, यह पवित्र आत्मा है। आज लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जितना बजिंदर के बारे में बोलोगे उतना बजिंदर तरक्की करेगा यीशु मसीह। आमीन। चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, खराब कह रहे हैं। परमेश्वर उसको विश्वासी नहीं मानता। उस रात उनको पहले टेंशन थी चर्च में, 1 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन सीखा क्या है? कुछ नहीं सीखा अपनी लाइफ के अंदर। किया क्या है? कर्म परमेश्वर आपका नोट करता है।
परमेश्वर ये देखता है आपने पूरी बाइबल पढ़ा है लेकिन आपने कर्म नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग से कोई आशीष नहीं पाएंगे। अगर आपने कर्म किए तो आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन वहां पर वो लिखा कह रहा कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसका मतलब वो सीक्रेट दे रहा था यहाँ पर, कह रहा कि ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, कह रहा क्या पिएंगे, इसका मतलब जो व्यक्ति अपने मुंह से कुड़कुड़ाता है उसकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष नहीं देता। जो लोग भय मानते हैं परमेश्वर का, चिंता करते हैं और फिर भी चिंता करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है उसी के 32 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि परमेश्वर अपने लोगों को सलाह दे रहा था, कह रहा था क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे ट्रैक्टर, मेरी बिजली का बिल, मेरा घर का बिल, किराया, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, क्या होगा। लिखा कह रहा कि वो अन्य जातियों के लिए है चिंता करने के लिए, कह रहा जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, कह रहा तुम्हारा स्वर्गीय बाप कह रहा जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता, तुम्हारे मांगने से पहले दे देगा। आदेश बस करना क्या है आपको, करना क्या है, हेलो, क्यों देगा वो, क्यों देगा, क्यों देगा, दे देगा, अमीन अमीन अमीन, क्यों दे देगा। इसके 33 को पढ़ो, देखो क्या लिखा, क्यों दे देगा, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, कह रहा इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, पहले कह रहा है बाइबल पढ़ो, कह रहा है जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ता है और दो टाइम प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसको सब वस्तुएं मिल जाएंगी संसार की, सब वस्तुएं। इसका मतलब ये बहुत सारी तंगी मेरी लाइफ में आई, बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा था कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ 8वीं क्लास में मुझे छोड़ दिया गया, 10वीं क्लास में मुझे छोड़ दिया गया, 8वीं क्लास में जब मैं पाप करता था तो उस समय भी मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, 10वीं क्लास में जब मैं प्रभु में आ गया उसके बाद क्या हुआ, तब भी मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैंने ये चिंता नहीं किया, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी खोज करना स्टार्ट करूंगा आज से, यीशु मसीह के नाम में। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मेरी बाजू पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा है, आज मेरे एक नहीं मेरे परिवार में 50 लोग हैं, वो 50 लोग भी मेरी बात को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे मस्तक को ऊंचा किया, क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए बाइबल में लिखा उनका एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा। आमीन। अगर आज आप विश्वास के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, मैं कह रहा हूं एक का भी मुंह काला नहीं होगा, लेकिन चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा है पहले परमेश्वर का वादा है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि मैं विश्वास करने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए कहता है कि मैं उनके लिए स्वर्ग के डोर खोलूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे मांगने से पहले। इसका मतलब वो मसीहत नहीं है, आप नाटक करते हैं, वो लोग नाटक करते हैं जो मसीह में। देखो यहां पर लिखा चिंताएं संसार में आनी और जानी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन नहीं होती, टेंशन हमें भी होती है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा टेंशन नहीं आएंगी और जाएंगी, यीशु मसीह ने कहा चिंता हो सकती है लेकिन किसी चिंता के अंदर ये ना कह देना, बस मुंह का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, मुंह का ध्यान रखना है, मुंह से ना बोल देना। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग 50%, इसका मतलब 30% लिखा बाइबल में, 30% किसी को मिलेगा, किसी को 60 मिलेगा, किसी को 100 गुना मिलेगा। कह रहा किसी को 30 गुना मिला चर्च में आने वाले लोगों को, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। आपको कितना गुना चाहिए आज, हाथ उठा के बताओ कितना गुना चाहिए आज, कितना चाहिए चर्च, कितना, क्यों मिलेगा 100 गुना। कह रहा उन लोगों को मिलेगा 100 गुना, कह रहे हैं कि जो विश्वास करते हैं और डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन चिंता में अपने मुंह से कह रहा ये नहीं कहते कि परमेश्वर तू नहीं कर सकता। हालेलुया। एक आदमी आया मेरे पास और वो कहने लगा, कह रहा कि पापा कि मैं प्रभु में दो टाइम प्रार्थना करता हूँ और चीज में बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दशवांश भी देता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा अच्छा गुड गुड गुड, शाबाश, तेरे को पूरे बटा के बटा नंबर मिलेंगे, 100 बटे नंबर मिलेंगे। और जब वो अमेरिका के एम्बेसी के बाहर जा रहा था तो उसी समय बार बार फोन कर रहा था, कह रहा पापा प्रेयर कर दो, मैंने कहा एक बार पापा प्रेयर कर दो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। और जब देख रहा बार में बोल रहा था, कह रहा पापा मेरा वीजा लग जाएगा ना, मेरा वीजा लग जाएगा ना प्रॉफिट जी, 10 पूछो मेरा वीजा लग जाएगा। मैं कह 3 बार मैंने उसको कहा तेरा वीजा लग जाएगा, 4थी बार मैंने उसको कहा, मैं कहा तेरा वीजा नहीं लगेगा। कहता क्यों, मैंने कहा जब तूने मुझे ही तंग कर दिया तो ऊपर वाला की तरह दुखी होगा। पहले एक बार प्रार्थना करा लिया, विश्वास कर,
जब भविष्यवक्ता के मुंह से जो बात निकलेगी पूरी होगी। हालेलुया, ये परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा संसार के अंदर करा, चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, संसार के अंदर करा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ कहती है परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तूने मुझे बेटा दिया। पहले तो बोलती है परमेश्वर बेटा दे दे या बेटी देगा, चिंता पहली चिंता, बेटा हो गया चिंता खत्म। नहीं होती यहाँ पर भी चिंता खत्म, वो कहते परमेश्वर कब ये बेटा बड़ा होगा, बड़ा हो जा बड़ा हो जा बड़ा हो जा। फिर कहती इसका ब्याह कब होगा, ब्याह हो जा ब्याह हो जा। फिर कहेगी उसका पोता कब होगा, बड़ा हो जा बड़ा हो जा बड़ा हो जा हे परमेश्वर। और बाद में फिर कहेगी परमेश्वर अब मैं कहाँ जाऊंगी, मरने वाली हूँ, मेरे मुँह में डांट नहीं है, कहाँ चिंता। खत्म नहीं होती ये चिंता, कब तक, जब तक आप जिंदा है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने एक सीधा सा उदाहरण दिया, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक अखबार में खबर आई, किस्सा सुना रहा हूं आपको, एक खबर आई और खबर आने के बाद उसमें खबर आई कि जितने भी टीचर हैं, जैसे कि ये टीचर है कोलकाता की, जितने भी टीचर हैं वो सब के लिए अमेरिका जाने के लिए जहाज वालों ने करे एक आविष्कार किया, एक आदमी ने आविष्कार किया जहाज का। और जहाज का आविष्कार करने के बाद उसने अपना एक जहाज बनाया, एक सबसे बेस्ट। और उसने कहा, कह रहा मैं उस जहाज में सारी दुनिया के, मतलब अपने देश के टीचर के लिए विदेश का वीजा फ्री और टिकट फ्री और फ्री जाना। जितने भी इंडिया के टीचर थे, सब अध्यापक थे, सब बावलों की तरह भाग गए भाई, अमेरिका जाना अमेरिका जाना। और जहाज के पास कीड़ी मकोड़ों की तरह भीड़ लगी, जहाज भर गया पूरा। और उसी समय बैठ गए और उसी समय अनाउंसमेंट हुआ, कह रहे जी ये जहाज, कहते लोग कह रहे थे कि ये जहाज का अमेरिका का टीचरों के लिए क्यों है फ्री, टीचरों के लिए क्यों फ्री है, टिकट क्यों फ्री है टीचरों के लिए अध्यापक के लिए। उन्होंने कहा क्योंकि ये जहाज आपके स्टूडेंट ने बनाया है। हालेलुया। जितने टीचर थे ना सारे के सारे भाग गए जहाज को छोड़कर, कह रहे भागो, कह रहे हमें पता है हमारे टीचर, कह रहे हमारे पढ़ाए हुए कैसे कैसे स्टूडेंट है, कह रहे सब भाग गए, सबको टेंशन होगी, भाग गए जहाज छोड़ के। लेकिन एक आदमी बैठा रहा, एक टीचर बैठा रहा, वो प्रिंसिपल होगा मेरे हिसाब से वो बैठा रहा। और इसी समय न्यूज वाले आए, कह रहे कि सब तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे, आप क्यों नहीं डरे, सब तो टेंशन करके भाग गए। वो कहते हमें पहले ही पता है कि हमने कितना पढ़ाया अपने बच्चों को, कह रहे हमने खुद ही नहीं पढ़ाया, हम तो टाइम पर स्कूल जाते नहीं थे। और कह रहे कि हमें पता है हमारे स्टूडेंट कभी अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उसी समय उसे प्रिंसिपल से पूछा होगा, न्यूज वाले आए और बोलकर कहने लगे आप क्यों नहीं चिंता करके नीचे भागे। वो कहने लगा मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पर, कह रहा मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, कह रहा है ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया है, कह रहा मुझे पूरा विश्वास है ये जहाज उड़ ही नहीं सकता कह रहा ये चल ही नहीं सकता। समझ रहे कि नहीं, चिंता करके भाग गए टीचर। और एक को विश्वास था, कह रहा मुझे पता है कि ये मेरा चिल्ला कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में, हालेलुया, कह रहा ये जहाज उड़ेगा ही नहीं, इन्हें तो टेंशन है मरेगा, इसको विश्वास था। मैं कह रहा हूं बेशक आपको चिंता हो, दुख हो, बीमारियां हो, समस्याओं हो, कर्जे हो, लेकिन विश्वास करना तुम यीशु मसीह के नाम में बैठ गए, आज पार लगा के छोड़ेगा वो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह जा रहा था और उसके चेले जा रहे थे साथ में, और उसी समय कह रहे थे पापा हम तेरे साथ चलेंगे। उसने कहा चलोगे मेरे साथ, कह रहा क्या करने जा रहा है, कह रहा कि बाहर एक शहर में कोई बीमार है, कोई पागल है, कोई दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ है, मैं उसको छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, आजाद करने के लिए जा रहा हूं, प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं, पापा हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। और जब वो सारे के सारे उसके साथ चलने लगे और उसी समय रास्ते में जा रहे थे और कह रहे पापा हम भी जाएंगे नाव में बैठे, और नाव में बैठते ही कह रहे थे थोड़ी देर हालेलुया हालेलुया गीत गा रहे थे, मजे ले रहे थे, यीशु मसीह की बातें सुन रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए सोने के लिए जा रहा हूं, और यीशु मसीह सोने के लिए चला गया। और यीशु मसीह जब सोने के लिए गया उसी समय बाइबल बोलती है कि उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्हें परखने के लिए नाव में एक तूफान आया, झील में समुद्र में तूफान आया, लहरें बड़ी, और उसी समय नाव ऊपर उछलती थी, कभी नीचे जाती थी, उछलती थी नीचे जाती थी। और उसी समय जब ऊपर उछलती थी तो उसी समय उनकी सांस रुक जाती थी, चलोगी नीचे आती थी, अरे हो गए हो गए, जैसे झूले में बैठे ऊपर। और उसी समय यीशु मसीह आराम से सो रहा है, चले आए थोड़े थोड़े बोलते यीशु क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा क्या हुआ क्या हुआ। यीशु मसीह ने कहा ये क्या, पहले तो ऐसे बात कर रहे थे पापा, आज ऐसे सीधा ही शट अप बदतमीज, ये कैसी बातें हो रही है आज, कह रहे क्या कर रहा है यीशु, तू सो रहा है हम मरे जा रहे, कह रहे तू सो रहा है हम मरे जा रहे, तू सो रहा है,
यीशु मसीह देख रहा है, कहता ये चेले मेरे कैसे हैं, हालेलुया। ये कहते हम तेरे पीछे चलेंगे, ये कह रहे थे हम परमेश्वर तेरे साथ चलेंगे, हम तेरी महिमा करेंगे। अरे कह रहा लेकिन ये कह रहा अरब विश्वासियों, यीशु मसीह को गुस्सा तार उठता है नाव में से, बोलता है अरब विश्वासियों, कहता तुम्हारा विश्वास कहां गया, क्या मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्या मैं नाव में से कूद कर भाग गया गई मैं, कह रहा यही तो बैठा हूं। कह रहे बाबा नाव ऐसे जा रही है, लहर कानों के पास से जा रही है, सन्नाटा, डरे हुए लोग, बच्चा डर गया, नहीं बोलूंगा ऐसे, क्या हुआ, लोग डरे हुए हैं क्योंकि मौत जब किसी के आंखों के सामने आती है, बीमारियां किसी की आंखों के सामने आती है, मौत जब दरवाजे पर दस्तक देती है, लोगों की टाइम टाइम फिश हो जाती है। याद रखना परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बात कर रहा है। अगर आज कोई किसी भी टेंशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो पवित्र आत्मा कह रहा विश्वास करने वालों के लिए, कह रहा मैं तुम्हारे मन के अंदर नाव में बैठा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर भागा नहीं हूं। गिल्टी होगी, रसोली होगी, प्रॉब्लम होगी, कर्जा होगी, अरे नहीं भागा, मैं अंदर हूं, अंदर है वो आपके, वो सो रहा है, आपके अंदर है, आपकी नजर में वो सो रहा है। जब मैं चलता हूं ना, मैसेज चलता हूं, यीशु मसीह इस नाव में हो, आप अंदर हो। एक आदमी ने कहा मुझे, कहता आपकी जमीन ले ली गई चर्च में, जब नहीं लगा था, उसने कहा अगले दिन ब्याना था, पैसे देने थे, उसने कहा नहीं तो आपका ब्याना मर जाएगा। और उसी समय मैंने कहा अच्छा बहना मर जाएगा, तो मैंने उसी समय मैंने कहा यीशु मसीह सो रहे हो, ना मैं ये विश्वास करना है, ऊपर वाला देखता है। आदमी आया मेरे पास, बहुत सारे लोग मेरे रिश्तेदार आए मेरे पास, कहते गए पैसे तूने हमारे भी डुबा दिए, चर्च के लोगों के भी डुबा दिए, सबसे एक एक लाख रुपए लिया, डबो दिया पैसा। मैंने कहा चिंता ना करो, यीशु मसीह सो नहीं रहा, वो जाग रहा है, वो ऊंघता नहीं है, सोता नहीं है, थकता नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है। yes. मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, मैं उनको विश्वास दिला के चला गया, लेकिन मुझे चिंता होगी, मुझे टेंशन हो गई। और उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो मैं खुद अपने आप को चिंता से भर गया, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रो रहा था, मेरी आंख में आंसू थे, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। और इसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि चिंता ना कर, ये तूफान आज थम जाएगा यीशु मसीह के नाम में, चिंता ना कर, ये तूफान थम जाएगा। अगर आज आप किसी समस्या में, बीमारी में, कर्ज में हो, तूफान थम जाएगा। याद रखना मसीह लोगों के लिए तूफान हर ज्यादा दिन के लिए नहीं आता, करा एक सेकंड के लिए, एक दिन के लिए, दस दिन के लिए होगा, किसी के लिए साल के लिए होगा, लेकिन याद रखना मसीह लोगों के लिए तूफान परमेश्वर रोकने के लिए तैयार खड़ा है। आदि मसीह के नाम में आपके घर का तूफान थमेगा, आपकी समस्याओं का तूफान थमेगा, आपके कर्ज का तूफान थमेगा। और यीशु मसीह आया और चीज में चेले घबराए हुए थे और उठा, यीशु मसीह ने कहा तूफान थम जा, और वो थम गया। और उसी समय चेले यीशु मसीह की महिमा करने लगे, हालेलुया। बोलते कौन है ये जिसकी बात कह रहे तूफान भी मानता है, आंधी भी मानती है, बारिश भी मानती है, कहता ये परमेश्वर है, हालेलुया। याद रखना अगर आज नहीं लग रहा आपको, आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े का तूफान है, कोई पति शराब पीता है तूफान है, कर्जे का तूफान है, कोई बड़ी बीमारी का तूफान है, कह रहा है कि आज मैं उस तूफान को शांत करता हूं यीशु के नाम में, थम जाए। और आज के बाद आपको पता लगेगा, आप कहोगे ये कौन है, आपको पता लगे ये प्रॉफिट बजिंदर के अंदर यीशु मसीह है। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं चर्च? यस। आपको विश्वास करना है। जिस रात में टेंशन में था और सुबह उठा, लोगों ने कहा तेरा ब्याना मर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और मैंने मकान उसको मालिक को कहा, मैंने कहा भाई तू अपनी जमीन के पैसे के लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दे, लेकिन बोलता मैं नहीं बढ़ाऊंगा, कल आ गया ठीक है, नहीं तो खत्म। मैंने कहा पता कौन हूं मैं पादरी हूं यार, समझा कर मैं लोगों ने दुआ करता हूं, कहता हम नहीं जानते। अगले दिन उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। मेरे हाथ में पैसे थे, इसको कब दूंगा, थे नहीं, या तो साइन करा के लाऊंगा, वापिस दे दूंगा उसको, ले भाई ले जा, लोगों ने खा लिया मेरे, तू भी खा ले। लेकिन अगले दिन वो मर गया, डेथ हो गई उसके, चला गया सब कुछ उसका, लेकिन मेरी तो चिंता चली गई। मैं तो हंसने लगा, मैंने कहा हंसू के रहूं, खुशी मनाऊं, क्या करूं, इधर संसार के हिसाब से तो मुझे रोना चाहिए। मैं ऐसे कर रहा था, मैंने कहा बहुत गलत हुआ, अंदर कर रहा था थैंक यू जीसस,
क्या कर सकता हूं? अगला मेरी बात नहीं मान रहा था, पैसा पैसा पैसा, कह रहा आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये बजेंद्र सिंह पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, ले हैंड करता है, पैसे लेता है, इन दिनों में सारे वापस दे देता है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहा कि आप चिंता कर रहे हैं, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन आएगा प्रार्थना करने वालों के पीछे पैसा दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे लोग दौड़ेंगे, आपके रिश्तेदार दौड़ेंगे, परिवार दौड़ेंगे, चौकीदार दौड़ेंगे, लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपके बारे में बोलते हैं। एक आदमी आया बोलता है, कह रहा जी पापा मेरी बुराई कर रहा है। मैंने कहा करने दे। मैंने कहा देख, हाथी जब चलता ना कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन ऐसे भौंकते हैं, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा एक दिन आएगा, मैंने कहा एक दिन आएगा, हाथी पीछे मुड़कर देखेगा सारे कुत्ते भाग जाएंगे। हालेलुया, एक दिन आएगा। चर्च जितने यहां पर बैठे हैं, क्रिसमस पर आ रहे हैं जो लोग, मैं कह रहा हूं आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं उन्हें जो क्रिसमस पर बीज बो रहे हैं, जो बेस्ट बीज बो रहे हैं, जो क्रिसमस पर आ रहे हैं, जो अपना घर अपना परिवार चिंता परिवार सब कुछ छोड़कर यहां पर बैठे, आप अपना रोजगार छोड़कर आप प्रभु की महिमा करने के लिए 5 दिन हो गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा चिंता ना करना, कह रहा क्या खाओगे क्या पियोगे क्या होगा तुम्हारा लाइफ में, कह रहा एक दिन नहीं 5 दिन हो गए लगातार परमेश्वर तुम्हें देख रहे, कह रहा इस संडे कह रहे और उसके बाद मंडे, कह रहा कि परमेश्वर आनंद की रात देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक टाइम आएगा तुम पीछे पलट कर देखोगे, जो तुमने खो दिया था वापिस आएगा, जितने तुम्हारे पीछे भौंक रहे थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। लिखा मूसा को कहा, मूसा जितने कुत्ते तेरे इजराइलियों पर भौंक रहे एक भी भौंकने ना पाएगा आज के बाद। कह रहा कहां है, कह रहा आज के बाद तुम्हारी गवाही बनाऊंगा। हालेलुया, इतनी गवाहियां बनाएगा परमेश्वर इस क्रिसमस के बाद आपके लिए, एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा आपके ऊपर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं उस शैतान को कह रहा हूं कुत्ता जो रोज खड़ा रहता है गेट पर आपकी बुराइयां कराने के लिए आपके दिमाग में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कुत्तों से सावधान। सारे बोलो बी वेयर ऑफ डॉग। आपने देखा प्लेट होती है बाहर गेट के बाहर, उस पर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग। क्या होता है, सारे बोलो बी वेयर ऑफ डॉग। फिर से बोलो बी वेयर ऑफ डॉग। आप धीरे बोलो बीवी और डॉग। कौन है, दो है, आपस में लड़ते रहते हैं, बीवी और डॉग। डॉग पता कौन है, एक औरत ने अपने पति को करी डाबरमैन है तू डाबरमैन। उनकी लड़ाई हो रही, कह रही तू डाबरमैन है डाबरमैन। मैं क्या कह रहा हूं बीवी ऑफ डॉग, इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कुत्ते बाहर नहीं है अंदर है। उस आदमी ने बाहर प्लेट लगा रखी है, भी लोग लगाते हैं कुत्तों से सावधान, हमारे घर में कुत्ते हैं, गेट पे प्लेट लगी है, लेकिन ये नहीं पता कुत्ते बाहर नहीं है, कुत्ते तो अंदर हैं। अंदर है ना, उसका मतलब ये है, इसका मतलब आपके अंदर चिंता कराने वाले कुत्ते सोच में विचारों में है, आपके अंदर कोई है, आपके आपके दिमाग में कोई घूम रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू बेकार है, तू बीमार है, तू मर जाएगा। अरे यीशु साथ में है और फिर भी लेटा हुआ है और सो रहा है, लेकिन कह रहा चिंता हो रही है तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुत्ते घूम रहे हैं। कह रहा कुत्तों से सावधान। हालेलुया, ऐसे विचार वाले कुत्तों से सावधान। कह रहा सावधान, यीशु मसीह साथ में है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे वो लू करे, अरे इतनी शांति की नींद सो रहा है। याद रखना जो यीशु मसीह में है, कह रहा यीशु मसीह की तरह तूफान आए आंधी आए शांति की नींद सोया करोगे आज यीशु मसीह के नाम में। अरे डिप्रेशन भाग जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के बीच में काम करेगा। योहन्ना की किताब में एक जगह देखते हम, कह रहा कि यीशु मसीह पहाड़ी पर गया, 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर देखो क्या लिखा कि यीशु मसीह जब 6:6 में यीशु मसीह पहाड़ी पर गया और उसी समय उसके चेले लोगों को शिक्षा देते थे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे, और प्रार्थना करने के बाद उन चेलों ने क्या किया, वो चेलों ने यीशु मसीह को देखा, क्योंकि यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे, कोई बटवा नहीं था, कोई झोला नहीं था, कोई डंडा नहीं था, देख लो भाई साहब मेरे कोई बटवा नहीं है, कोई जेब में इधर पैसे नहीं है, देख लो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं रखता, जब प्रचार करता हूं तो मैं जेब में कुछ नहीं रखता, वैसे मैं रखता ही नहीं हूं, मैं बैग में रखता हूं, वो कार में पड़ा है, लेकिन नहीं था यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने उस समय, लेकिन यीशु मसीह के साथ उसके चेले चलते थे, और उस चेले कौन थे, पतरस यूहन्ना अलग अलग पौलुस बहुत सारे चेले थे, लेकिन यीशु मसीह क्या करता था, सीधा जब भी कोई खर्चे की बात आती थी तो उनको लगा देता था, हेलो इनको खाना खिला दो, हेलो
इनके लिए कपड़े ले आओ, हेलो इनके लिए ये ले आओ। चेले कहते थे अच्छा ठीक है, अब तक सही चल रहा था। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ी पर गया, पहले कितने लोग थे, 10 लोग थे, चेले ले आते थे, 12 लोग थे ले आते थे, 20 लोग थे ले आते थे, एक दिन 5000 लोग पहाड़ी पर आ गए और यीशु मसीह ने कहा हेलो इन सब के लिए खाने के लिए ले आओ। यीशु मसीह ने तो अपने स्टाइल में बोला हेलो खाने के लिए ले आओ। चेले कह रहे यार कह रहे ये क्या है, कह रहे जब दिखता 10 में दिखता है ले आओ ले आओ, कह रहे आप तो 5000 आ गए, कह रहे यार क्या कर रहा है यार यीशु मसीह, कह रहा 100, कह रहा चंदा कितना आया, कह रहा 100 दिनार, कह रहे 100 दिनार चंदा आया, कह रहा और ये कह रहा खाने के लिए ले आओ, कह रहा इतनी पब्लिक के लिए खाने के लिए कहां से लाएंगे। यीशु मसीह ने सुन लिया उनकी बात को और उसी समय कह रहे कि और एक ने कहा तू जा पास्टर अशोक इधर आओ, धर्मेंद्र इधर आओ, दौड़ के आओ, धर्मेंद्र आ जाओ, आ जा मेरे लाल कहां गया, भाग गया, कहां गया धर्मेंद्र, हाँ तू ही आ जा, तू भी पास्टर ही आ जा, दौड़ के आ जा, तेरा पास्टर ही तू ही देखो आ गया, आओ 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 ये दौड़ के ये जा रहा, यीशु मसीह जा रहा है, ये चेले मेरे पीछे थे और चेले क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, पता है ये मेरे साथ जब चलते हैं ना इन्हें टेंशन नहीं होती, पादरी विजेंद्र है ना इनको कोई टेंशन नहीं रहती, ये कहते हैं है ना कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं। एक दिन इनको थाने से फोन आ गया, हेलो कौन अशोक, अशोक सीधा फोन पास्टर विजेंद्र, हेलो इसने कहा हम तो प्रोफेट विजेंद्र जी के चर्च में है जी, उनके पास्टर हैं, इसने मुझे फोन कर दिया। मैंने कहा हैं, पुलिस वाले का फोन आ गया, इसको फोन आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे, फोन इसको कर दिया, फोन इसको कर दिया, इसको कोई टेंशन ही नहीं, कहाँ पे है, उसने कहा हेलो कहाँ है तू, आया नहीं अब तक, कहता जी मैं तो सेवा करने जा रहा, कह रहा कहाँ पे है, कह रहा बॉम्बे में हूँ, कहता अच्छा कब आएगा, कहता सोमवार को, इसने कहा ठीक है, फोन लगा के मुझे टेंशन दे दी, टेंशन मुझे दे दी, मुझे कह रहा है पास्टर रंजीत को कह रहा है तू बता दे, पुलिस वाले का फोन है, धर्मेंद्र कह रहा तू बता दे, इसको कह रहा तू बता दे, इसको कह रहा तू बता दे, पता नहीं जब आएगा झाड़ पड़ेगी इनको, हैं कह रहे छोड़ना क्या बताना, और घूम फिर के भाई साहब मेरे घर पर फोन करना शुरू कर दिया उन्होंने। हम आ रहे थे एक दिन वहाँ से करनाल से, मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी मुझे फोन करने लगे, मैं गया मंत्री साहब गया, मैंने कहा इसको फोन करो जरा, वहाँ से प्रॉब्लम खत्म। लेकिन देखो जब कोई टेंशन होती है इनको होती है, पौलुस और पतरस यीशु मसीह के पीछे थे और मैं भी इनके साथ ऐसे ही करता हूँ कई बार, मैंने कहा जाओ घोड़े वाले को दे दो, सुनो शोभा यात्रा पे क्या हुआ, ये सुनेंगे बताएंगे अभी। इस मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, मैंने कहा इस बार बड़ी शोभा यात्रा करनी है, पिछली बार मैंने कितने घोड़े किए थे, कहता 11, मैंने कहा कहता इस बार कितने करें, मैं कहा 100 घोड़े कर दे जा अशोक, अशोक कहता ठीक है जी 100 घोड़े कर दिया, कहता कितने घोड़े करें, मैं कहा 100 ऊँट कर दे, चल भाई ऊँट कर दिए, रथ कर दिए, 100 छोटे हाथी कर दिए, 100 ई रिक्शा कर दिए। कल आए मेरे पास पास्टर अशोक जी, पास्टर रंजीत को कर रहे हैं, घोड़े वाला खड़ा है बाहर पैसे मांग रहा है मेरे घर के बाहर मेरे घर के बाहर खड़ा है, मेरे घर के बाहर खड़ा है, बोलो ना पास्टर, इधर से धर्मेंद्र कह रहा है मेरे घर के बाहर खड़ा छोटे हाथी वाला मेरे घर के बाहर खड़ा है, मैंने कहा अच्छा तेरे घर के बाहर खड़ा है, उधर से पास्टर जी वगैरह ये मेरे घर के बाहर खड़ा, मेरे घर के बाहर खड़ा है। मैंने कहा फोटो खींच रखी थी मैंने पहले ही, घोड़े रथ पे एक नहीं आदमी बैठ रहा पैदल चल रहे हैं, मैंने इसको सेंड करवा दी, मैंने कहा घोड़े रथ पे एक आदमी नहीं था, घोड़े वाले को मैं 10 रुपये नहीं दूंगा तू देगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा, मैंने कहा तेरा क्या होगा कि तुम्हें कहां से लाऊंगा, चिंता हो गई कि नहीं, पास्टरों को भी चिंता होती है भाई साहब। मैंने पूछा क्यों नहीं बिठाया घोड़े वाले ने, घोड़े वाला कहता जी आपकी तो पब्लिक ही पता नहीं कैसी है, मैं क्या हुआ, हमने कहा भाई साहब बैठ जाओ, कह रहे ना हमारे पास्टर ने कहा पहले चलेंगे, पैदल ही चलते रहे पैदल, अच्छा आज आके पता लगा मुझे, अब तक टेंशन नहीं, पैसे दे दिए उसके घोड़े वाले ब्रदर कब दिए, आपने तो नहीं दिए ना, नहीं मैंने नहीं दिए, नहीं किसने दिए, पूरे दे दिए, पता नहीं दिए अभी चिंता ही नहीं है भाई साहब, कहते पता ही नहीं है, पहले तो किए किसने थे घोड़े, आपने किए थे, हाँ जी 100
आप ही से मांग रहे थे पहले? हाँ जी हाँ जी। मैसेज आप ही का था, आपके घर के बाहर खड़े हैं। हाँ जी। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि ये पास्टरों के ऊपर भी आई थी चिंताएं पर रखने के लिए। यीशु मसीह जा रहा था और कह रहा था ले, कहता इधर कर दे, इधर कर दे, और ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, 5,000 के लिए रोटियां। कहते ये क्या कर रहा है? आपस में घुटमुट करने लगे दोनों, पौलुस पत्रस बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे अरे ये क्या, कहते कितने पैसे हैं, चंदा गिन, कहते 100 रुपए। अरे 100 रुपए आए, कहता यार ये क्या, कहता ये कह रहा कि पूरी दुनिया के लिए खाना कर दे, कहते कैसे करेंगे खाना। और उसी समय टेंशन में चले गए और उसने कहा तू बता दे जाके पादरी साहब, इतना हुक्म ना करो, पैसे थोड़े हैं, जाओ पादरी साहब। वो कह रहा तू जा बे, तू जा बे, तू जा बे, तू जा बे, तू जा, डर रहे। और यीशु मसीह के पास गए, करे एक गुस्से में गया पास्टर चौक की तरह बजिंदर के पास, आगे कह रहा 100 दिनार मिले हैं, 5,000 लोग हैं, खाना कहां से खिलाएंगे, आपने तो कह दिया खाना खिला दो ले आओ, 100 दिनार में इतने लोगों का खाना कहां से आएगा। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, और यीशु मसीह थोड़ा ढीला हो गया, मतलब जब कोई गुस्सा होता तो फिर ऊपर से यीशु मसीह कहता भाग ना जाए मेरा चेला, तो क्योंकि फिर मेरे को पैसे देने पड़े जब ये गर्म हो गया। देखा सारे बोले हालेलुया। तो उसी समय पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, एक आदमी आया और मैं बैठा, जब मैं चर्च में आया तो उसने कहा पादरी साहब मैंने चंदा देना था पर आपके हाथ पे देना था। मैंने कहा बेवकूफ, तुझे भी इसी समय आना था, इसके सामने आना था। इसको पता लग गया। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह के पास करे के पैसे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कोई है यहाँ पर जिसके पास रोटियां हो, पूछो जाओ इनको, कहा करा जाओ किसी के पास रोटियां होंगी वो ही ले आओ। कहता जी रोटियां होंगी, तो फटाफट गए, उन्होंने कहा किसी के पास रोटी है, तो एक कोई नहीं उठा, और एक छोटा सा बच्चा उठा, उसने कहा मेरे पास ये रोटी है, 5 रोटी 2 मछली, करा के 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया। करा 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास है। उसने कहा अच्छा, करा ले आओ, और पादरी छोंक के हाथ में रख दिया, हाथ हल करो दो, 5 रोटी और 2 मछली जाओ लोगों को खिला दो। है? इतने लोगों कैसे खिलाएंगे? पतरस कह रहा है, पौलुस कह रहा है, कह रहा 5 रोटी और 2 मछलियां हाथ में रख दिया, इतने को लोगों को कैसे खिलाएंगे? चिंता न कर मैं तेरे साथ हूं, यीशु मसीह पीछे से गाना गा रहा था, चिंता न कर मैं तेरे, पतरस जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, यीशु मसीह पीछे से कह रहा चिंता न कर। आज लोगों के साथ यही होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, यीशु मसीह कहता है जाना जाना जाना, मकान खरीद ले, फैक्ट्री खरीद ले, जाना जाना, घर खरीद ले, जाना जाना, और बंदा बेइज्जती कराएगा क्या? चिंता न कर मैं तेरे साथ हूं, आगे क्या है लड़की, महसूस कर मैं तेरे पास हूं। हालेलुया। और प्रभु के चेले कह रहे 5 रोटियां 2 मछलियां, फिर बाद में जाकर इकट्ठा हो गया इसके साथ, धर्मेंद्र के साथ, पत्रस और पौलुस इकट्ठे हो गए होंगे, कह रहे होंगे ये मरवाएगा, ये मरवाएगा, ये मरवाएगा, 5 रोटी और 2 मछली, ये मरवाएगा, ये मरवाएगा। उसने कहा इधर आओ, यीशु मसीह ने ऊपर उठाया 5 रोटी 2 मछली को, परमेश्वर मैं ये जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, लेकिन परमेश्वर मैं ये जो 2 चेले खड़े हैं ना, इनको दिखाने के लिए कर रहा हूं, चमत्कार कर दिया आज इनके सामने इस भीड़ को लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले कह रहे हैं एक दिन का खाना 3 लाख रुपए में आ रहा है, हम 5 दिन का खाना कितने कितने में खिलाएंगे, आप क्या करते हो बजिंदर सिंह? मैंने कहा यीशु मसीह कह रहा परमेश्वर आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, तो मेरी सुनता और मैं तेरी सुनता हूं, तो ये परमेश्वर ये रोटियां डबल कर दे आज, मल्टीप्लाई कर दे आज। और उनकी 12 टोकरियां मंगा ली, कितने चेले थे? 12 चेले लाइन में लगा दिए, कह रहा लो टोकरी ले आओ, और उन टोकरियों में कह रहा लो जाओ प्रार्थना कर दिए और बांटना स्टार्ट करो। उन्होंने कहा है एक टुकड़ा टोकरी में, एक टुकड़ा, धर्मेंद्र तो पागल ही हो गया,
कैसे होगा? और जा रहे लोगों के बीच में, चलो टोकरियां बांटने, लाइन में 5,000 लोगों को बांटने के लिए जा रहे हैं, ले ले, थोड़ी थोड़ी भी देख रहा, कह रहा क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। और उसने देखा टोकरी भर गई है, हालेलुया, रोटी और मछली से टोकरी भर गई है। और क्या हो गया, पादरी शोक ने देखा, कह रहा यार कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग भूखे रह जाएं, लालच आ गया। करते करते पता क्या कर रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है, बांटते बांटते लो लो, जरा टोकरी लेके कहां जा रहा, टोकरी में से लो 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 लो, यार कहीं मेरी पत्नी भूखी रह जाए, यार मेरा सालाना भूखा रह जाए, यार मेरा मामा भी बुलाया क्रिसमस पे आज वो भूखा रह जाए, यार मैंने अपने ताऊ को भी बुलाया यार ऐसे, और एक नहीं यहाँ पे जितने वॉलंटियर हैं सारी अच्छी जलेबी अपनी जेब में डाल लेंगे, अच्छा अच्छा माल पहले रख लेंगे। उन्होंने रख लिया और रखने के बाद क्या करने लगे, टेंशन करने लगे, कह रहे कि टेंशन थी और बांट भी रहे हैं और खा भी रहे हैं और रख भी रहे हैं, भाई साहब पता नहीं हमें मिलेगा ना, हमने वो ऐसे कर करके खा भी रहे हैं, मुंह में भी डाल रखा, चिंता थी इनको कहीं बाद में हमें कुछ मिले ही ना, ऐसा ना हो। और चले खिलाई जा रहे खिलाई जा रहे, और उसी समय खिलाते गए, लेकिन थोड़ी देर में जब सब लोगों को 5,000 लोगों को बांट दिया तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कितने लोगों को बांट दिया, कितनी टोकरियां खाली होगी, बोलते कह रहे ये क्या, कह रहे यार हम तो बेवकूफी कर रहे थे, वैसे ही उठा रहे थे, कहते तेरा भला हो जा, कहते टोकरी तो अभी भी भरी की भरी पड़ी है, खाली हुई नहीं है, मिराकल कर दिया यीशु मसीह ने, ये मिराकल कर दिया है यीशु मसीह ने। और इसी समय कह रहा कि वो समझ में आ गया चेलों को कि यीशु मसीह जब चमत्कार करता है तो कह रहा दिल खोल कर करता है, यीशु के नाम में, कह रहा मेरा परमेश्वर रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, अगर आज आपको चिंता है, अगर आज आपको परेशानियां है, मैं कह रहा हूं आज आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी, डबल होंगी, आपका बिजनेस डबल होगा, आपके बच्चे की हर एक राशि डबल होगी, आपका बिजनेस, आपका घराना डबल होगा, हर राशि डबल हो जाए, विश्वास करने वालों के लिए, बीज बोने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, आज से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, प्लीज आपका बैंक बैलेंस डबल हो जाए, कह रहा कि आपको डबल होगा, एक बच्चे की नहीं, मैं कह रहा हूं एक को नहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, घर में दो बंदे हैं, दो के दो को मिलेगी, यीशु के नाम में, समझ में आ रहा है कि नहीं, यीशु मसीह कह रहा चिंता करके बस ये ना क्या नाम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कह रहा यीशु मसीह परखने के लिए बोलता है, कई बार परखने के लिए बोला पास्टर ने मुझे, कह रहा तेरे पास कितने पैसे है, तुझे 40,000 कह रहा डालना है, लेकिन जाकर मैं उस दिन ना डालता, शक करता, बातें करता, दिमाग में कुछ कुछ करता, लेकिन मैंने अपने दिमाग के कुत्ते दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थना किया और दिमाग लड़ाया और चल पड़ा, और मैंने विश्वास के साथ परमेश्वर का नाम लिया, और परमेश्वर ने मुझे कह रहा मेरी मेहनत को देखा, और समय उस पादरी ने परमेश्वर की आवाज को सुना और कहा, करा जा बजिंदर सिंह आज के बाद, करा तू कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि तूने करा मेरे यीशु के लिए किया है। याद रखना, अगर आज आपने यीशु के लिए इतना भी किया है, करा आज के बाद आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ेंगे, आपको विश्वास है बढ़ेंगे आज रात यीशु के नाम में, करा कि एक प्रिंसिपल को विश्वास है, करा उसका चेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे यीशु को विश्वास है, मुझे विश्वास है मेरे लोग बोने वाले लोग, करा कि आज से घटेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, चिंता करके बस ये ना कहना मेरा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, हालेलुया, चिंता करके ये ना कहना मेरा क्या होगा, पवित्र आत्मा कहता है कि आज रात हीलिंग होगी, छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जिस परमेश्वर में मैं भरोसा रखता हूँ, जिस परमेश्वर में 2008 से भरोसा रखता आया, उसने एक भी रात मेरा मुंह काला नहीं होने दिया, मैं जानता हूँ उस परमेश्वर को अच्छे से। अगर आज आप विश्वास में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आप जो मांग रहे हैं आपको देगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपको मल्टीप्लाई करेगा। आज से अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज के पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर चाहे चिंता हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कर जाओ, कैसा भी लड़ाई घर में झगड़ा, कैसी भी परेशानियां हो, कैसा भी बार बार नुकसान हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज मैंने जान लिया है पवित्र आत्मा जी आज कि परमेश्वर तू ऊपर से सुनता है, तू मिराकल करता है, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि परमेश्वर आज से मेरे लोग घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये क्रिसमस इनके लिए बढ़ाने के लिए आए,
ये साल इनका बढ़ोतरी का साल होने पाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ये बड़े साल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय इनकी बीमारियां बाहर जाए, कर्जे बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, हर प्रकार का शराब चाहे, हर प्रकार का जादू टोना चाहे। पवित्र आत्मा चिंता करने वाले लोग नहीं। मेरे पिता तुझे पसंद है परमेश्वर जो चिंता में प्रार्थना ही करते हैं। अगर आज इन्होंने फैसला ले लिया परमेश्वर तो इनकी ओर देख और ताक और पवित्र आत्मा आज इनकी चिंता हटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं अपनी चिंता तुझे देता हूं, अपना बोझ यीशु मसीह ने कहा तो मुझे दे दे। इस समय अपने बोझ को यीशु मसीह को दे दो, अपनी सारी चिंताएं आज परमेश्वर को दे दो। अपनी चिंताएं आज परमेश्वर को दे दो। बोलो हालेलुया। कितने लोग दे रहे हैं आज परमेश्वर को अपनी चिंताएं? अगर आप दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लिए। वो यहां पर है। कहां पर है वो? यहां पर है, हमारे बीच में है। मैं हाथ करता हूं, सुन रहे हो? चिंता बहुत सारे लोगों को चिंता होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी जब मैं प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा बहुत सारे लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है, बोने वाले बनना है। आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा आज रात के बाद काम करना स्टार्ट करेगा, आशीषें देना स्टार्ट करेगा। आप पहले से बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं ले हैंड प्रे कर रहा हूं, आपके सिर के ऊपर हाथ आ रहा है परमेश्वर का यीशु के नाम में। Amen. आपका बोझ हल्का होगा। आपने जो बोए आपको दुगना परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। Amen. Amen. जब मैं जा रहा था तो रास्ते में हमारे साथ पुलिस वाले भाई थे, हमारे सच्चो साहब मेरी गाड़ी में बैठे थे। तो मैंने इन्हें सुना रहा था, मैंने कहा था यार घोड़े वाला खड़ा है, वो खड़ा है, वो उसके पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दे दो। और लोग आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। मैं कहा सवेरे सवेरे जाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, किराए पे मंगानी पड़ेंगी। और मैंने कहा कहाँ से आएगा वैसा? तो फिर दो मिनट बाद मैं इन्हीं को बोल रहा था, मैंने कहा यार ऐसी खाम खाई चिंता करी जा रहे हैं, जब पहले बोना है फिर काटना है। हालेलुया। पहले बोना है फिर काटना है, परमेश्वर सुनता है। ये समय प्रॉफिट बजिंदर की चिंता नहीं है। अगर जिस दिन आप यीशु मसीह की राज्य की चिंता करने लगे, राज्य की चिंता क्या है? कुछ लोग बाइबल खोल के पढ़ते रहते हैं। राज्य की चिंता ये है, आप जाओ गरीबों को सुसमाचार सुनाओ, आप जाओ कोई भी जन आपका भूखा हो उसको खाना खिलाओ। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जब तूने किसी भूखे को खाना खिलाया मुझे खिलाया, किसी भूखे को पानी पिलाया मुझे पिलाया। कोई कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दिया। अगर आज यहाँ पर कह रहा है कि बड़े बड़े दानी अगर आकर यहाँ पर इन लोगों को, किन को आप बाहर दान करते हैं वो अलग है, लेकिन अगर मसीह लोगों को एक भी, चाहे आप अच्छे घर के हैं, चाहे कहीं के भी हैं, चाहे छोटे घर के हैं बड़े घर के हैं, लेकिन आपके पेट में एक दाना जाएगा तो वो यीशु के पेट में जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए मैं लंगर का सारा इंतजाम मैं करता हूँ, खाने का इंतजाम मैं करता हूँ, मुझे मालूम है परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, लेकिन बहुत सारे दान जब तक नहीं लगते जब तक पादरी की नोटिस में ना हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। बहुत सारे लोग खुद जाकर अपने आप काम करते हैं, वो दान लिया नहीं जाता, परमेश्वर लेता नहीं उस दान को। मैंने क्या बताया? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा हमें बीज आपके भेंट आपके दशमांश की जरूरत है, अपना बीज अपना भेंट दशवान जो बेस्ट दे रहे हैं, मैं क्रिसमस पर उनके लिए दुआ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा, अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर। हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन याद रखना जिसने यीशु मसीह का जन्मदिन अच्छा मनाने के लिए चाहे कर्ज भी ले लिया है, परमेश्वर शोभा यात्रा में के बाद कह रहा आपके बच्चों की अब शोभा बढ़ाने वाला यीशु के नाम में, आपके बिजनेस की शोभा बढ़ाने वाला है। एक गवाही बनेगी, एक टेस्टमनी बनेगी और आपकी शोभा बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तू बहन चिंता करती तो बहुत ये बैठी बड़ी देर से और प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला इसके चिंता कर रही है बड़ी देर से। इसको माइक की जरूरत नहीं है, इसको चलाने की जरूरत है। हो गया? हो गया? नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ? हो गया? कोई नहीं सुन रहा आपको। हो गया?
हो गया हो गया, अब हमारी बारी है, चलो आउट फ्री। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। एक एक लाइन, एक एक लाइन इसी समय खड़ी होगी और अभी परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने क्या कहा, जिसकी ले हैंड करूं आज, इसी समय बताते रहना गवाहियों के साथ, फटाफट फटाफट ले हैंड का टाइम है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे अभी इसी समय। हाँ हाँ, जल्दी से निकालो शाबाश, अपने अनॉइंटिंग वाटर और रुमाल लेकर आ, फटाफट जल्दी से एक लाइन खड़े करो शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। जब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं करेगा, बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और सिर्फ कोर्स कोर्स गाती लड़ लड़की और बताते रहना, एक एक लाइन बाहर आएगी, सिर्फ एक एक लाइन, फालतू नहीं आएंगे। आप गलत बैठे हो, सुलक्खन आया 4 बजे और तुझे डांट पड़वाऊंगा मैं। कहाँ से करूँ? हाँ हाँ, चलो शाबाश, फिर से गाओ, फिर से गाओ। मैं खुदावन तेरा शाफी